हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजनास किचन। मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो बच्चों को तो काफ़ी पसंद आएगी, बड़े भी खा सकते हैं इसे, और बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए काफ़ी अच्छी रेसिपी है। और इसमें बच्चे एक वेजिटेबल भी खा लेंगे, और गर्मी के दिनों में यदि आप बच्चों को नाश्ते में दें या लंच बॉक्स में दें तो ये काफ़ी बच्चे पसंद भी करेंगे। तो मैं आपको एक हेल्दी एग रोल बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने इंग्रेडिएंट देख लेना है। देखिए, मैंने आटे को गूंथ लिया है। मैं ये मैदे से नहीं बना रही हूँ, मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ। आटे को गूंथ कर रख लिया हमने, जिस तरह का पराठा का हमने गूंथता है, हम गूंथते हैं उसी तरह का गूंथे हैं। तेल हमने थोड़ी सी आटे में डाली है, मोयन जिसे बोलते हैं, इतने आटे में हमने 2 टीस्पून ऑयल डाला है और थोड़ी सी नमक डाली है। खीरा को हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया है, 2 छोटे खीरे को, मीडियम साइज के खीरे को। 2 गाजर को हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। आधी बीटरूट को ग्रेट कर लिया है। 1 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से काट लिया है। 1 छोटी टमाटर हमने ली है बारीक काट कर। नींबू के हमने 1 नींबू के 8 टुकड़े किए हैं। एक एग रोल में मैं 1 पीस डालूंगी। थोड़ा सा मैंने टमाटर केचप लिया है और तेल लिया है, और हमें नमक चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ हेल्दी और टेस्टी एग रोल। देखिए, हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। आटे की हमने इस साइज की एक लोई ली है। इसे हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे पहले बेल लेते हैं, इस तरह से। हमें इसे एक साइड ही सेकना है। इसके पहले मैं आपके साथ मैदे वाली रोटी की रोल, चिकन रोल और एग रोल मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं मेरे चैनल पर। लेकिन मैदे की चीज़ आप ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए, पेट के लिए अच्छी नहीं होती। तो मैं आज आटे की रोल बता रही हूँ जो काफ़ी हेल्दी है, आप बच्चों को रोज भी बनाकर देख सकते हैं। तवा हमारा गर्म हो गया, इस पर हमने रोटी डाल देना है। और एक मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ी सी हमें बड़ी लोई लेनी है ताकि हमारा रोल थोड़ा बड़ा बने, इस तरह से। इसे भी हमें बेल लेना है तरह से। इस तरह से हमें इसे, देखिए इधर रोटी हमारी एक तरफ से हल्की सेकी है, एक तरफ से हमें ज्यादा सेकना है, एक तरफ से हल्का सेकना है इसे। मैदे वाली रोटी बेलने में हमें काफी मेहनत लगती है, लेकिन आटे की रोटी हमें आराम से बेल सकते हैं। इस तरह से हमें इसे, देखिए, बेल सकते हैं। आपको जितनी बड़ी बनानी हो आप बना सकते हैं। ये हमारा, देखिए, ये रोटी हमारा हो चुका है। बस हमें इतना ही सेकना है। एक प्लेट पर हमने कपड़े ली है, इसे इस पर रख देते हैं और इसे कपड़े से इस तरह से ढक देते हैं ताकि हमारी रोटी सूखे ना, और दूसरी रोटी को हम तवे पर डाल देंगे। इतना पहले बना लेंगे, उसके बाद मैं आपको रोल करने बताऊंगी। फ्रेंड्स, हमने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। उसमें हम 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। रोटी हमने बनाई है थोड़ी सी, रोटी हमने जो रोल के लिए बनाई है थोड़ी सी हमने मोटी बनाई है, आप देख सकते हैं। और एक तरफ कम सिका हुआ है, एक तरफ अधिक सिका हुआ है। तो जो ज़्यादा सिका हुआ जिस तरफ है उसे हमें इस पर इस तरह से रख देना है। और मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गई, मैं अंडे बताना आपको भूल गई, सॉरी, इसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। ये अंडे को हम इस पर पहले इस तरह से तोड़ कर डाल लेंगे।
ये आटे की है इसलिए और भी हेल्दी है। और इस तरह से अंडे को हमें इस तरह से पूरी रोटी के ऊपर इस तरह से हमें गोल घुमाकर इसे पूरे रोटी को कवर कर देना है अंडे से। देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, ये हमारी पूरी रोटी अंडे से कवर हो चुकी है। अब हम और थोड़ी सी ऑयल इस तरह से डाल देंगे साइड साइड में, हाफ टी स्पून ऑयल हमने डाली है। मैंने नॉन स्टिक पैन लिया, आप चाहे तो लोहे की पैन या तवे पर भी बना सकते हैं। इस तरह से हमें इसे पलट लेना है। देखिए तरफ से कितनी क्रिस्प हो चुकी है हमारी रोल। थोड़ी सी ऑयल हम डाल देंगे ताकि हमारा उस तरफ से अंडे अंडे जो हमारे कच्चे थे वो भी अच्छी तरह से सीख जाए। ये हो चुका है, देख सकते हैं आप। इसे हम इसमें निकाल लेना है। एक रोटी और मैं बना लूँगी, फिर मैं आपको रोल करते हुए दिखाती हूँ। देखिए थोड़ी सी ऑयल मैं इसमें ऐड कर दूँगी इस तरह से, और इसमें भी मैं एक अंडा तोड़कर डाल दूँगी। अंडे को हमें पूरी रोटी पर इस तरह से फैला लेना है। इसके लिए हम बाज़ार जाते हैं, खड़े होते हैं, लाइन लगने पड़ते हैं हमें गर्मी में। और बच्चे, आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, बच्चे इसे काफ़ी पसंद करेंगे खाने के। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि मुझे ताकि पता चले कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है कि नहीं और आपने मेरी रेसिपी को पूरी देखी है कि नहीं। एक बात और फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। ट्राई करने से खुद ही आप जान जाएंगे कि मेरी रेसिपी कैसी है। देखिए फिर से हमें इस तरह हाफ टी स्पून ऑयल डाल देना है। और इसे इस तरह से सेक लेना है। आप अपने बच्चों को एक बार बना कर दीजिए फ्रेंड्स। ये मैदा नहीं है, आटा है, अंडा है और सारे वेजिटेबल हैं और गर्मियों में काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ये हमारी दोनों रोटी बन चुकी है। मैं आपको उसके बाद इसे रोल करके दिखाऊँ। अब हमें इसे रोल करना है। देखिए हमने दो पन्ने लिए हैं कॉपी के, यदि आपके पास वाइट पेपर है तो वाइट पेपर ले सकते हैं। इस तरह से बच्चे की मेरी ड्राइंग की कॉपी है, मैंने पेपर नहीं लिए क्योंकि पेपर में जो प्रिंट होती है वो ख़राबी कर सकती है बच्चों को। तो इस तरह से हमें पहले इसमें मैंने आटे में नमक डाली है लेकिन अंडे में हमने नमक नहीं डाली, तो थोड़ी सी हम नमक इस तरह से इस पर इस तरह से नमक हम ऐड कर देंगे। तरह से हमें नमक ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसमें ये नींबू, एक टुकड़ा नींबू एक पर हम इस तरह से दो तीन बूंद डाल देंगे। आप फ्रेंड्स, आप बच्चों के लिए बनाकर देखिएगा, बच्चे ज़रूर पसंद करेंगे आपके, और आप भी खुद भी खाइएगा, ये काफ़ी अच्छी लगती है। सबसे पहले हम इसमें खीरा को इस तरह से सजाएंगे। देखिए एक एक चीज़ करके हमें इस तरह से इस पर रखना है। इसके बाद हम थोड़ी सी बीट रूट डाल देंगे। आप देख सकते हैं ये दिखने में इतनी खूबसूरत है कि बच्चे देखकर ही खाना चाहेंगे इसे। उसके बाद हम थोड़ी सी गाजर इस पर रख देते हैं। ये पूरी फ्रेश वेजिटेबल है और ये आप इसे वेजिटेबल रोल भी कह सकते हैं। उसके बाद हम इस पर थोड़ी सी
ओनियन डाल देंगे, देख सकते हैं ज़्यादा हमें नहीं डालना है, सब चीज़ हमें थोड़ी थोड़ी डालनी है। ये हमने थोड़ी सी टमाटर भी ऐड कर दिया, इसमें हमने थोड़ा सा नमक डालना है, इस तरह से सब्जियों में डाल दिया। इसके बाद हमने केचप ली है, यदि आप केचप की जगह सॉस भी डालेंगे तो उसमें कोई टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगी, थोड़ी सी अंतर आएगी। इसके ऊपर हमें इस तरह से केचप को डाल देना है, उसके बाद हम आपको रोल करने बता देते हैं। देखिए हमने पेपर को आधा आधा हमें खाली रखना है, पेपर में हाफ ही हम रोल करेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है इस तरह से, और इसे हम इस तरह से पेपर को रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद आप इसे, ये जो नीचे का हमारा पार्ट है उसे हम इस तरह से रोल करके, आप चाहें तो इसमें ऊपर से भी थोड़ी सी इस तरह से केचप डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड ये कितनी खूबसूरत लग रही है, ये रोल बच्चों को ज़रूर खिलाइए और ख़ुद भी खाइए, इसे हम इस तरह से सर्व करेंगे। देखिए एक प्लेट में हमने इसे रख दिया है, थोड़ी सी इसमें मैं केचप दे दूंगी। देखिए इस तरह से आप बच्चों के पास ले जाइए, वो इसे देखकर रह नहीं पाएंगे मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।